नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस केस के अंदर MRI ऑर्बिट करने जा रहे हैं और ये है हमारा 3T16X। ठीक है, तो ऑर्बिट की प्लानिंग जो है आपकी ऑलमोस्ट ऑल ब्रेन की तरह ही होगी, उसमें कुछ अलग से नहीं है। अलग से जो चीज़ है वो इंस्ट्रक्शन है कि पेशेंट को आंखें बंद रखनी है, आंखों को रोटेट नहीं करना है, लेफ्ट राइट एक जगह रखना है आंखों को बंद करके, ठीक है, और हिलेंगे नहीं। पेशेंट को ब्लैंकेट जो भी अलार्मिंग बेल वेल जो देनी हो पहले ही दे के रखिए, और मूवमेंट नहीं होना चाहिए, आंखों को बंद रखेंगे और लेफ्ट राइट आंखों का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जैसे ही आपने ये जो अलाइनमेंट है इस अलाइनमेंट पे क्लिक करिए, लेजर लाइट ऑन हो जाएगी आपकी। ऑन होने के बाद में इसको अंदर ले जाइए जहाँ पे आपने लैंडमार्क देना हो, ठीक है। लैंडमार्क आपने जो एक लाइन होती है इसके अंदर देखिए, इस लाइन पे रख लीजिए, बाकी आप ऑटो करेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। वो कैसे करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। इसके अंदर अंदर लिया, उसके बाद लैंडमार्क पे क्लिक कर दीजिए। ये जीरो आना चाहिए, क्योंकि कई बार जीरो नहीं आता तो पोजीशन वो लगती नहीं है, तो ठीक है। जीरो आने के बाद में एडवांस टू स्कैन पे प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिक जहाँ पे आपने लैंडमार्क दिया है टेबल ऑटोमेटिक वहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई प्लानिंग, और इंस्ट्रक्शन क्या है कि आँखों को बंद रखना है। चलिए अभी हम चलते हैं कंसोल के अंदर। अब हम आ गए हैं कंसोल के अंदर, ठीक है। कंसोल HDXT 1.5 हो या 3T हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मैग्नेट का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं, बल बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो जैसे मैंने प्रीवियस पहले जो वीडियो बनाया उसमें भी बताया कि इंट्री वगैरह सब करने के बाद में आपने इधर आइए, तो ये दो तीन चीज़ें आपको दिखाई देती है, साइट, जी और सर्विस। ये सर्विस से रिलेटेड होते हैं, लाइसेंसेज वगैरह वो सब। ये जी इसके अंदर जो मशीन जहाँ से, जैसे जी से मशीन है तो जी के जो प्रोटोकॉल्स हैं बेसिक प्रोटोकॉल वो इसके अंदर मिलेंगे। ये वो साइट है जहाँ पे मशीन लगी है, जहाँ पे प्रोटोकॉल्स बने हैं, तो हम इसी मशीन पे अभी प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं। तो अभी तो हमने ऑर्बिट का कोई बनाया नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पे मिलेगा नहीं कुछ भी। देखिए ये सब ब्रेन के हैं, ऑर्बिट का कुछ भी नहीं है। तो अभी हम कहीं से भी उठा के ऑर्बिट का करेंगे, तो हम जी साइट पे जा रहे हैं। जी पे जाने के बाद में अब आप इस पे देखिए, कहीं पे भी आपको कुछ ऑर्बिट का दिखाई देगा, वहीं से हम प्रोटोकॉल उठा के ऑर्बिट्स का स्कैन शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये इस पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद में एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने के बाद में आप इधर आइए, जो क्वाइल आपने लगाई है हमेशा उसका भी ध्यान रखना है कि क्वाइल सही से लगी है। तो सपोज करो आपको पता नहीं है कि क्वाइल कौन सी है, तो इसमें एक ऑप्शन होता है ये करेंटली कनेक्टेड, कि जो आपने करंट में जो लगाई है वो कौन सी कॉइल है। तो देखिए ये जो है, जो आपने जो एक्सटर्नली अभी जो अटैच की है वो कॉइल है, उसके अंदर ये सब ऑप्शन है 3-4, ठीक है। इनमें से जो भी ऑर्गन आप कर रहे हैं उसमें बेस्ट सिग्नल जहाँ पे मिले वो आप अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा सेकेंड ये जो करेंटली कनेक्टेड में दिखा रहा है जी बॉडी कॉइल, तो ये मशीन के अंदर इनबिल्ड होती है। इसके भी जो जैसे हमने NGO आपको पहले भी दिखाया है वो इसी पे ही होते हैं, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर हम या तो NV array ले सकते हैं या हेड ले सकते हैं, तो NV array ले लेते हैं और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई और अप्लाई ऑल में डिफरेंस क्या रहता है कि अगर अप्लाई किया तो सिर्फ ये HD NV जो एरे है सिर्फ एक सिक्वेंस के ऊपर, जैसे अभी लोकलाइजर है इस पर अप्लाई होगी। अप्लाई ऑल किया तो जितने भी सीक्वेंस इधर डाउनलोड हैं उनके सभी पे ही ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी, आपको बार बार सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम अप्लाई ऑल करते हैं क्योंकि हमारा एक ही है ब्रेन वाला ही एरिया। स्पाइन केस में ऐसा होता है कि डोर्सल, लंबर, सर्वाइकल, तो वो उसमें अप्लाई ऑल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से आपने डाउनलोड करना है, उसके बाद में सेव सीरीज कर दीजिए। सेव सीरीज करने के बाद या तो ऑटो स्कैन पे कर दीजिए, डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट लेंगे हमारा लोकलाइजर। लोकलाइजर तीनों प्लेन्स के अंदर आएगा। लोकलाइजर के बाद में हम आगे की प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये आपका आ गया है लोकलाइजर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका लोकलाइजर इतना परफेक्ट नहीं है,
जितना होना चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे, इधर आइए, राइट क्लिक करिए, कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए, पेज सीरीज किया, पेज सीरीज पे डबल क्लिक करिए कंटिन्यूटी में, और ये आपने रीप्लान कर दिया। इसको हम ऐसे रीप्लान कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप देखिए एक लाइन दिखाई दे रही है, तो मतलब एक स्लाइस है। इधर से आप नंबर ऑफ स्लाइस इसमें तीनों प्लेन के अंदर जितने आपको चाहिए, आइडियली 5 स्लाइस सफिशियंट है, तो हम 5 स्लाइस ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारा जो लोकलाइजर है उसको रीप्लान कर दिया, ठीक है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एग्जैक्ट लोकेशन देनी है, आप यहाँ से बैठे बैठे ये सब चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेव सीरीज कर दीजिए, ऑटो स्कैन कर दीजिए। तो अब दोबारा से फिर से लोकलाइजर हम रन कर रहे हैं। अब ये जो हम फर्स्ट वाला जो रन कर रहे हैं वो कैलिब्रेशन रन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी बताया कि कैलिब्रेशन क्यों करना चाहिए, एक्चुअली कैलिब्रेशन करने से क्या होता है कि MRI का जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको आप कहीं ना कहीं एक जैसा होमोजेनियस है, देखा होगा ना, इन होमोजेनियस है ना होमोजेनियस, तो होमोजेनियस मतलब एक जैसा, कि पूरा मैग्नेट एक जैसा है, जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे सिग्नल एक जैसे मिले, ठीक है। तो इसलिए कैलिब्रेशन करना चाहिए, कैलिब्रेशन करने के बाद ही आप प्योर जो है वो यूज कर पाते हैं। तो हम पहले कैलिब्रेशन रन कर रहे हैं, उसके बाद हम बाकी के प्लान अप करते हैं। तो प्लानिंग करने के लिए आपने क्या करना है कि जैसे सबसे पहले तो हम इसके अंदर एक एक्सियल लेंगे ऑर्बिट का, ठीक है। आपको जो लेना है ले सकते हो, जैसे हम लेंगे थोड़ा एक्सियल पहले, या फिर आपको कोरनल लेना है तो कोरनल भी ले सकते हो, कोई भी एक ले लीजिए। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ऑर्बिट करने से पहले ना एक रूटीन आप ब्रेन का कोई भी सीक्वेंस चला लीजिए, जिससे कि आपको प्लानिंग में हेल्प हो जाएगा। दूसरा, जब ब्रेन ऑर्बिट कर रहे हैं तो ब्रेन का भी कुछ सीक्वेंस, चाहे फ्लेयर हो या T2 हो, एक दो आपने रन करने चाहिए। क्यों रन करने चाहिए कि सपोज करो पेशेंट का कोई ऑप्टिक नर्व से या कोई भी ऐसा रिलेटेड, विजन से रिलेटेड कोई इशू है, और आपने ऑर्बिट किया, ऑर्बिट नॉर्मल था लेकिन ब्रेन के अंदर कहीं कोई लीजन पड़ा हुआ था और उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व कहीं कंप्रेस हो रही थी या कुछ भी, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ब्रेन में कोई पैथोलॉजी है कि नहीं है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा आपको ऑर्बिट की जो प्लानिंग आप करोगे उसमें भी हेल्प करेगा। तो एक हम T2 चला देते हैं, ज़्यादा अगर आपको टाइम नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है, आप रूटीन वाला भी चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे पास टाइम भी है, पेशेंट भी है। तो ये हमने अभी एक T2 एक्जिल चलाया, ये सीमिंग है। हाँ, हम आपको ये सीमिंग के बारे में बताना भूल गए, ये सीमिंग है, सीमिंग भी अप्लाई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए कि जो आप सिग्नल, जो RF जो दे रहे हैं, वो RF मैक्सिमम आपको कितने एरिया में सबसे ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए सीमिंग भी करनी चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली आपका ये सब रोल इसलिए होता है कि आपको अच्छे सिग्नल मिल सकें और एक जैसे मिल सकें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा T2 एक्जेल अभी। तो ये देखिए दोस्तों, ये अब आपका आ गया है T2 ब्रेन। ब्रेन का आपने एक T2 ले लिया, जिससे आपको पता चल गया कि हाँ ब्रेन में कुछ है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि एक तो आपको ये पता चल गया कि ऑर्बिट कर रहे हो, ब्रेन में कोई ऐसा कोई ट्यूमर नहीं है। दूसरा, आपने कॉर्नल की जब प्लानिंग करोगे तो उसका भी पता चल जाएगा इस T2 से कि आपको कहाँ तक लेना है। ये भी तो सवाल है कि लेना कहाँ तक है, पूरा ब्रेन थोड़ी कवर करेंगे, तो ऑप्टिक चार्ज में जो होता है वहाँ तक लेना होता है। अब वो कहाँ पर है वो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, जो ये एरिया है लास्ट, ये वैसे तो यहाँ तक है, ये पिट्यूटरी है, ये लास्ट यहाँ तक ऑप्टिक चार्ज में, जो यहाँ से ऑप्टिक नर्व वगैरह जो निकलती है, तो ये लास्ट होता है यहाँ तक, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ पिट्यूटरी में है तो थोड़ा बहुत तो आप और कवर कर सकते हो, पिट्यूटरी भी इंक्लूड कर सकते हो, टाइम है
अगर पेशेंट का आप कुछ भला करना चाहते हो तो आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ओब्लिक कर दीजिए, तो ये आपकी प्लानिंग हो गई है कोरोनल की। अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपको ये पता ही ना चले कि ये प्लानिंग किसकी हुई है, तो उस केस में क्या करना है कि देखो, जिस इमेज के ऊपर मैंने पहले भी बताया कि जिस इमेज पे आपको ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई देगा, तो समझ जाओ कि ये प्लानिंग इसी की है। और अगर आपको ये भी समझ में ना आए कि ये किसको कौन सा व्यू बोलेंगे, तो ये यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है कोर, सी ओ आर, कोरोनर। ऐसे ही इधर लिखा हुआ है एस ए जी, सेजाइटल, और ये हो गया ए एक्स, एक्जियल, ठीक है। तो आप इधर से पता कर सकते हो कि ये क्या है, एक्जियल है, सेज है, कोरोनर है। नहीं पता, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो ऐसे पता कर सकते हो। स्विमिंग यहाँ से ऑन करेंगे, एच डी एक्स टी है तो आपको ये यहाँ से स्विमिंग का ऑप्शन मिलेगा। स्विमिंग ऑन रखिए, ठीक है, स्विमिंग ऑन हो गया। साथ के साथ आपने नीचे देखिए जो एस एन आर जो है, अब ये एस एन आर आपने 3 mm किया तो ये एस एन आर भी कम हो गया, तो इसको आप वापस जाके यहाँ से रिसेट कर देंगे। कितना हो गया अभी, 100 हो गया। तो कोशिश करो कि इसको मैक्सिमम की तरफ, अगर 100 से ज़्यादा है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 100 से कम है तो आपको रिसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या है कि ये जो ग्रेनी जो थिन किया उसकी वजह से जो ग्रेनी आनी थी इमेज, उसको हमने करेक्ट करना है। उसको करेक्ट करने के लिए हमने बाकी के जो पैरामीटर है टाइम बढ़ाना पड़ेगा, उससे हमारी क्वालिटी और ग्रेनीनेस सब ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्बिट का कोरोनल प्लान हो गया है, ठीक है। अभी हम कोरोनल आने दीजिए, उसके बाद हम आपको एक्जेल और सेज की प्लानिंग बताते हैं। अब ये देखिए, ये अब आ गया है हमारे पास कोरोनल ऑर्बिट का, ठीक है। तो अब क्या है, आंखें पेशेंट ने एक्चुअली खोल के रखी हुई है, ऐसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास आप एक्जल भी है और कोरोनर भी है, ठीक है। तो अब हम लेंगे T2FS, ठीक है, थिंक के अंदर। इसके अंदर एक के अंदर आपने इधर से आइए, सेलेक्ट सीरीज में जाइए, जाके कोरोनल को लीजिए। कोरोनल को लेने के बाद आपने ओके पे क्लिक करिए। अब ओके पे क्लिक करेंगे तो एक में आपका एक्जेल है, एक में कोरोनल है। तो ये देखिए, ये है आपकी ऑप्टिक नर्व। तो जो स्लाइस जो जाएगा वो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, इस हिसाब से आपने प्लान करना है। ये जो स्लाइस जा रहा है ये दोनों ऑप्टिक में एक साथ जाना चाहिए। अभी हम ले रहे हैं एक्जेल की। अब एक्जेल की प्लानिंग हो रही है, तो ये है एक एक्जेल हमने ब्रेन के लिए लिया था, जो वो है, ठीक है। ये प्लानिंग हो गया है, सेमिंग ऑन कर लीजिए, ठीक है। चलो देखते हैं पल्सेशन आर्टिफैक्ट का, और यहाँ पे नो फेस रेफ ये जो ऑप्शन होता है इसको ऑन रखिए, क्योंकि FOV आपने कम रखी है तो ओवरलैप ना हो, इसके लिए आपने नो फेस रेफ ऑन रखेंगे। एक्सेप्ट कर दीजिए और सेव सीरीज, ठीक है। ये हमारा अभी हो गया है एक्जेल T2FS। अब हम ये आने के बाद में सेजाइटल की प्लानिंग करेंगे। तो ऑर्बिट के अंदर आपको सेज जो है लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग लेने पड़ेंगे, और T2 और T1 जो है मोस्टली आपका
वैसे तो देखो हर डॉक्टर का अपना एक तरीका होता है रिपोर्टिंग करने का, उसको क्या चाहिए, पर मोस्ट प्रोबेबली जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो हैं तो उसके अंदर आपका T2FS में चलेगा, और साथ के साथ जो कोरोनल जो लोगे उसमें भी आपका या तो स्टर कोर लेंगे या फिर T2FS लेंगे साथ में T1। तो इसमें सीक्वेंसेज क्या रहेंगे कि एक्जियल के अंदर आपका जो है T2FS हो जाएगा थिन, 3mm जीरो स्पेसिंग रखो या 3 रखो FS में लेंगे, हाई रेजोल्यूशन में चाहिए लेकिन सब। उसके बाद आपने कॉर्नल के अंदर T2 कोर ले लीजिए, FS ले लीजिए या स्टर ले लीजिए, साथ में एक T1 लेंगे, और सहज के अंदर आपके T1 और T2 जो है दोनों FS में ही चलेंगे, मतलब राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो अभी हम बाकी के भी प्लानिंग आपको सहज की बताते हैं। सहज की थोड़ी सी ट्रिकी है, या ये कहो कि थोड़ा सा हमने सहज का प्लानिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम आपको अभी सहज का प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं। 3mm ले लीजिए, थिन कर लीजिए, क्योंकि और भी है ज़्यादा स्लाइस तो वैसे भी नहीं है। तो इसके अंदर देखिए, अभी आपके पास जो है एक्जियल है, एक्जियल हमने इसलिए लिया था, ब्रेन का जो लिया था, ठीक है। तो ये आपकी ऑप्टिक नर्व है, इसको रख लीजिए, एक स्लाइस इस पे रख दिया, ठीक है। आप यहाँ तक लेके आइए इसको, ऑर्बिट कवर कर लीजिए, कितने स्लाइस हो गए, 12 स्लाइस हो गए हैं, ठीक है। बीचों बीच इसको, मतलब जो एक जो स्लाइस जो जाएगा आपका इसके बीचों बीच जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है बस, और ऑर्बिट में कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है कि जो बड़ा मुश्किल है। अब इसी को ही साथ में आपने कोरोनल से कोरिलेट करना है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे है, तो बीचों बीच जाना चाहिए, इसको पकड़ के थोड़ा सा पुल करके नीचे लेके, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हमारा जो T2 जो हमने थिन लिया था ऑर्बिट का वो आ गया है, ठीक है। दिख रहा है बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। तो अब हम इसके अंदर इसी को लेके आते हैं, सेलेक्ट सीरीज में गए, ओके करेंगे तो एक में जाएगा, ओके ऑल करेंगे तो सभी पे वो चला जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई है आपकी सहज की प्लानिंग। सहज की प्लानिंग के साथ साथ आपने सिमिंग भी ऑन करनी है, और सिमिंग ऑन करने के साथ साथ आपने इमेज ऑप्शन पे जाइए, इमेज ऑप्शन पे जाके ये देखिए कि ये आपका नो फेस रैप ऑन है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको भी ऑन करना है साथ के साथ, जो हमने बताया था SNR जब थिन करते हो तो कम हो जाता है, उसको रीसेट कर दिया है। और उसके अलावा आपने बाकी पैरामीटर भी देखने हैं ताकि क्वालिटी अच्छे से आ सके, ठीक है। जितना आप टाइम रखेंगे उसी हिसाब से क्वालिटी भी आपकी इंप्रूव रहेगी। अब साथ में ये राइट है तो आप इसको राइट नेम देंगे, राइट लिख दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट जब प्लानिंग करेंगे तो ध्यान रहेगा कि राइट है, ठीक है। उसके बाद में सेव सीरीज कर दीजिए और ये रन कर दीजिए। अब आपका राइट सेज रन हो रहा है, ठीक। इसी तरह से आपने लेफ्ट भी लेना है, और अब कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं डबल क्लिक करके। अब हमने क्या करना है कि हमने अभी राइट ऑर्बिट प्लान किया था, अब हम लेफ्ट ऑर्बिट करेंगे। तो लेफ्ट ऑर्बिट की प्लानिंग करने के लिए भी सेम वही रहेगा, इरेज कर लीजिए। देखिए ये वाला जो है ऑप्टिक मसल्स, ऑप्टिक नर्व जो भी आपको दिखाई दे रही है उसको ही ध्यान में रख के आपने प्लानिंग करनी है। जूम करके देखिए, देख गया। अब ये पेशेंट की थोड़ी सी टॉर्सस है कि देखो, नहीं तो सीधा भी मिलेगा आपको किसी किसी पेशेंट में, तो वहाँ और ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी प्लानिंग करने में, पर इसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर से आप
पकड़ के इसको ये स्लाइस इधर बढ़ाइए, पूरा ऑर्बिट कवर करना है, इधर भी लेके जाइए। तो आपके स्लाइस हो गए हैं 11, एक और बढ़ा दीजिए, 12 12 होना चाहिए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, ताकि प्लानिंग क्या कहते हैं फिल्मिंग करते समय आपको ईजिली आप फिल्मिंग कर सकें। और ठीक इसी तरह से ये, अब ये है ऑप्टिक, अब इसको उसी को ही ध्यान में रख के आपने एंगल रखिए थोड़ा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ऑर्बिट की प्लानिंग। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ क्या थी कि सैज वाली प्लानिंग है वही है ज़्यादा ध्यान देने वाली, बाकी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं, ये सब सीक्वेंसेस आपके चलेंगे इसके अंदर। तो ये हो गया आपका लेफ्ट ऑर्बिट, ठीक है। यहाँ पर रीनेम कर दीजिए, क्योंकि लेफ्ट है तो लेफ्ट रीनेम करना होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा फिर। और सेव सीरीज। अब क्या है कि अब हमको जो T1 जो लेंगे उन पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ डायरेक्ट कॉपी करेंगे। अब देखिए आपके पास ये है सैज T1 जैसे, तो इसका क्या करना है कि ग्राफिक्स में जाइए, ग्राफिक्स पे क्लिक कर दीजिए, इरेज ऑल जो इस पर पहले से पड़ा हो उसको इरेज ऑल कर दीजिए। अब आपको कॉपी करना है, कॉपी पे जाइए, और राइट से करना है तो राइट पे क्लिक कर दीजिए, राइट T1 लेना है तो ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब साथ के साथ आपको इसको रीनेम भी करना पड़ेगा ना, कि आपने राइट लिया है तो ये आपने रीनेम कर दिया, राइट हो गया है। क्वालिटी के लिए अपने को टाइम थोड़ा देना पड़ेगा ताकि क्वालिटी हमें अच्छी से अच्छी मिल सके, ठीक है। लेकिन क्या है कि क्वालिटी उतनी ही दे सकते हैं जितना कि टाइम अलाउ करे, अच्छी क्वालिटी के चक्कर में इतना भी नहीं कर सकते कि सीक्वेंस का इतना टाइम बढ़ जाए कि फेस एंटी हिलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो वो भी देखना पड़ेगा साथ के साथ, नो फेस रैफ ये सब आपने देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका T1 सेज। इसी तरह से कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए, इरेज ऑल करिए, कॉपी RX पे जाइए, साथ में आपने क्या लेना है अभी लेफ्ट लेना है, लेफ्ट पे क्लिक करिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। तो अब ये आपका हो गया है लेफ्ट का, वापस आ जाइए। लेफ्ट का रीनेम करने के लिए आपने लेफ्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो गया है आपका लेफ्ट। अब सपोज करिए आपका ऑर्बिट कंट्रास्ट के साथ है, तो उसमें क्या करना है कि ये जो T1 जो है इन्हीं को ही आपने रिपीट करना है, साथ में फैट ऑन कर देंगे फैट सेपरेशन के साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई है आपकी टोटल प्लानिंग। इसके अंदर आपने लोकलाइजर लिया, फिर कैलिब्रेशन किया, फिर एक ब्रेन का आपने जो फ्लेयर लो या टीटू लो वो चला लिया, ऑर्बिट के लिए ले लिया। हाँ, एक चीज़ और है कि ऑर्बिट में जैसे हम बता रहे थे कि या तो आप स्टर ले लीजिए या स्टर ले लीजिए या T2FS ले लीजिए। तो हम देखते हैं, देखा एक स्टर लेते हैं कि कई बार क्या है कि रेडियोलॉजिस्ट जो रिपोर्ट करते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मेरे को तो स्टर ही चाहिए, स्टर की जिद लगाते हैं, तो हम एक स्टर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टर का जो है हमारे पास ये हमारा स्टर है, कॉर्नल की प्लानिंग हमारी ऑलरेडी हो रखी है। कॉर्नल स्टर पे क्लिक करिए, ग्राफिक्स आर्क्स पे जाइए,
हाँ, साथ के साथ आपको ये भी करना पड़ेगा, पेशेंट सुपाइन है, हेड फर्स्ट है, तो क्वाइल क्या लगी हुई है, क्वाइल लगी हुई है ब्रेन की एनवी एरे, तो वो भी आपने लेना पड़ेगा आपको, इरेजोल कॉपी आरएक्स, और कॉर्नल से कर रहे हैं कॉपी तो कॉर्नल तक क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका स्टर कॉर्नल आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉर्नल की प्लानिंग कर लें साथ के साथ, जैसे हम बार बार बोलते रहते हैं कि ये देखिए इस केस में, क्योंकि ओवरलैपिंग के चांसेस पूरे हो सकते हैं, इसलिए आपको ये ऑन रखना पड़ेगा। ठीक, साथ के साथ आपने एक T1 और चला दीजिए, T1 कॉर्नल कोई भी ले लीजिए, T1, चलो हम यहाँ से एक T1 ले लेते हैं, करंटली कनेक्टेड कॉइल है एनवी अरे और हेड फर्स्ट है, फिट फर्स्ट नहीं है, फेस इन हेड फर्स्ट, इरेज ऑल कर दीजिए, और T1 कोर ले रहे हैं तो कॉर्नल से प्लानिंग करनी होगी, साथ के साथ आपको बाकी के पैरामीटर भी चेक करने होंगे। तो इस तरह से आपका ये हो गया है कॉर्नल। तो आपने क्या था, सेजाइटल था, उसका आपने बना दिया कॉर्नल। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी सीक्वेंस का कोई भी सीक्वेंस बना सकते हैं, मतलब कोई भी व्यू बना सकते हैं एक्जेल सेज कॉर्नल। ठीक है, अब ये देखिए ये आपका सेजाइटल आ गया, लेकिन आपने तो ये हुआ आपका ऑर्बिट का पूरे सीक्वेंस हो गए हैं, प्लानिंग हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो कोई भी डाउट आपको अगर है तो वो कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।